If sec 4a equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a. Okay, 4a क्या है? Acute angle है और ये condition दिया हुआ है, तब बोल रहा है कि a का value हम लोग को find करना है. Okay, तो ये तो दे दिया है, तो इसको पहले लिख दो कि sec 4a equal to cosec a minus 20 degree. ठीक है, इतना हम लोग लिख दिए. अब देखना हम लोग क्या करेंगे, ये जो sec 4 है इसको हम लोग convert कर देंगे cosec के term पे. हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप जो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो sec थीटा इक्वल टू होगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है, यहाँ लिख देना सिंस. ठीक है, sec थीटा इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा. अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, करेक्ट. तो यहाँ sec 4 है, तो यह जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे cosec में, तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a होगा. ठीक है, ये देख लो 4a, 4a थीटा थीटा, करेक्ट. ठीक है, फिर इसको लिख दो सेम. अब देखना यहां मैं क्या किया हूं, ये दोनों सेम है, तो इस लॉजिक को यहां थोड़ा रफ वर्क है. ठीक है, इसको समझना कि cosec a इक्वल टू cosec 30 डिग्री है, तो इसका मतलब a 30 डिग्री है, करेक्ट. तो यहां देख लो, यहां भी सेम टाइप का चीज है और यहां भी सेम टाइप का चीज है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, क्योंकि दोनों तो सेम है, करेक्ट. इतना लिख दिए. अब देखना, ये बस जस्ट लॉजिक समझाया था, इसको मत लिखना, ये रफ वर्क है. ठीक है, तो यहाँ 5a माइनस 5a कैसे आया, a इधर आ गया LHS में, तो माइनस 5a हो जाएगा, क्योंकि ये a माइनस में चला जाएगा, और माइनस 20 डिग्री है और 90 डिग्री RHS में आ जाएगा. ठीक है, तो माइनस 110 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. ठीक है, तो माइनस 110 डिग्री और यहाँ माइनस 5 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और a इक्वल टू होगा 110 डिग्री बाय 5, तो कितना आएगा 22 डिग्री. ओके,